Good morning, students. Now, today we will discuss function part 5. Function के part 4 में मैंने आपके साथ user defined function को बहुत अच्छे से discuss किया था. Function की body को किस तरीके से define करते हैं, function में किस तरह से parameters के बारे में बताया था, def keyword के बारे में बताया था, function name के बारे में बताया था, Python statement जो हम function के अंदर किसी particular specific task को perform करने के लिए लिखते हैं उनके बारे में बताया था, indentation के बारे में भी मैंने आपके साथ discuss किया था कि Python statement must be indented, right? आज हम थोड़ा सा practically एक function को define करने की कोशिश करेंगे आपके साथ. आइए, तो dear student, मैं एक program बनाने जा रहा हूँ. Program में मैं आपके साथ क्या करूँगा, दो number का मुझे product करना है by using function in Python language. आप देखेगा किस तरीके से आपको पता चलेगा कि जो मैंने theoretical आपके साथ part 4 में discuss किया था, आज part 5 में मैं उसको practical आपके साथ करके दिखाऊंगा. मेरे साथ बने रहिएगा. तो dear student, start करते हैं एक practical program. Write a program in Python language to multiply product to number by using User Defined Function. आइए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, User Defined Function का use करके आपको दो नंबर का product करना है. Function को किस तरीके से declare करते हैं, By using def keyword. मैंने def keyword लिखा यहाँ पर. अब मुझे दो नंबर का product करना है. तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है product number. It's a User Defined Function. आपकी मर्जी, आप कुछ भी use कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर लिखा product, PRODU या मल्टीप्लाई नंबर, मल्टीप्लाई टू नंबर ले लीजिए, टू नंबर ये मैंने यहां पर यूज किया, मल्टीप्लाई टू नंबर. मैंने यहां पर क्या डिफाइन कर रखा है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नंबर. आप मल्टीप्लाई अंडरस्कोर टू नंबर डिफाइन कर लीजिए क्योंकि ये यूजर डिफाइन फंक्शन है. अब डियर स्टूडेंट, यहां पर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर आप इस फंक्शन को दो नंबर पास कर रहे हो. क्या पास कर रहे हो, a कोमा b. ये आपने इस फंक्शन को दो नंबर पास किए, a कोमा b. पहला नंबर है a और दूसरा नंबर है b. ये इस आप फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास कर रहे हो, राइट. फिर आपने यहां पर क्या लगाया, कोलन. ओके, अब आप देख सकते हैं मेरा खुद इंडेंटेशन आ गया. मुझे इंडेंटेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद इंडेंटेशन आ गया. यूजुअली फोर स्पेसेस आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन. अब आपने क्या करा, आप देख सकते हो मैंने ट्रिपल कोट्स के अंदर बता रखा है कि ये फंक्शन क्या करेगा. तो डेफिनेटली ये एक ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो. मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर लिख दिया, राइट, दिस फंक्शन, दिस फंक्शन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. एक्चुअली दिस फंक्शन मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. अब डियर स्टूडेंट, मैंने बता दिया कि मेरा यह फंक्शन क्या कर रहा है, मेरा यह फंक्शन दो प्रोडक्ट का क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है. अब आपको क्या करना है, आपको इस फंक्शन का प्रोडक्ट करना है, इन दो नंबर का प्रोडक्ट करना है. तो आपने लिखा प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी. जो भी आपने इस फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास किए हैं, उन पैरामीटर्स का यूज करके आप इन दो नंबर का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है. अब आपको क्या करना है, रिटर्न प्रोडक्ट, रिटर्न प्रोडक्ट. आपने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया. तो ये आपका फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आपने एक फंक्शन बनाया जो फंक्शन दो नंबर का क्या कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है. आपने क्या करा, फंक्शन का नाम क्या लिया, मल्टीप्लाई अंडर स्कोर टू नंबर. फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया, बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड. सबसे पहले डेफ कीवर्ड, फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन, फिर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर आपने दो नंबर पास किए, दो पैरामीटर ए कोमा बी, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, दो नंबर का प्रोडक्ट कर रहा है, राइट. प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी. फिर इसने क्या करा, प्रोडक्ट को रिटर्न किया. अब डियर स्टूडेंट, अब मुझे दो नंबर लेने हैं. मुझे सबसे, मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया है,
ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया है, लेकिन अब एक्चुअल प्रोग्राम में बनाऊंगा इस फंक्शन को कॉल करते समय। अब मुझे दो नंबर ले लिया, जैसे मान लीजिए एक यूजर है, उसे नहीं पता दो नंबर का प्रोडक्ट किस तरीके से करना है। वो चाहता है कि कोई पर्टिकुलर कोड को वो कॉल करे और वो पर्टिकुलर कोड दो नंबर का प्रोडक्ट करके मुझे रिटर्न कर दे। तो यूजर को कुछ नहीं करना है। यूजर ने, सपोज मैंने पहला नंबर लिया फर्स्ट नम इक्वल टू इन, मैं कीबोर्ड से इनपुट ले रहा हूं, एंड इनपुट। कीबोर्ड से इनपुट किस तरीके से लेते हैं, मेरा पाइथन का एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप देख लीजिएगा, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, देर इज ए फंक्शन इनपुट। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनपुट फंक्शन, जिसका रोल होता है कीबोर्ड से किस तरीके से इनपुट लिया जाता है। तो जो भी कीबोर्ड से आप इनपुट लोगे, जैसे आपको दो नंबर लेने हैं, तो डेफिनेटली आप नंबर क्या लोगे, आप इंटीजर लोगे, लेकिन इंटीजर लोगे या फ्लोट लोगे, लेकिन सपोज मैंने इंटीजर लिया है, तो लेकिन इनपुट फंक्शन उसको किस तरीके से कंसीडर करता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में कंसीडर करता है। मतलब आप यहां से इंटीजर वैल्यू गिरवाओगे, लेकिन इनपुट फंक्शन उसे रीड करेगा स्ट्रिंग की फॉर्म में, फिर आपको उसे डाटा टाइप का यूज करके कन्वर्ट करना है उसे एक्चुअल इंटीजर में। तो इसीलिए मैंने यहां पर इंट का यूज किया है, क्योंकि इनपुट फंक्शन रीड्स ए वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग इंट। Data type int is used to convert its actual integer value. And enter the first number. Okay. फिर आपने second num equal to, फिर दोबारा से int input, enter the second number. तो आपने पहले first num, second num, इनकी वैल्यू आपने कीबोर्ड से ली है, ओके। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है। अगर विदाउट फंक्शन, अगर मुझे फंक्शन नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली दो नंबर का प्रोडक्ट करना इजी है, लेकिन आप नहीं चाहते, यू वांट टू मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय कॉलिंग ए प्री डिफाइंड फंक्शन, बाय कॉलिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, ये दो नंबर का प्रोडक्ट करेंगे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करके। तो डियर स्टूडेंट, प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर जीरो, मैंने एज ए जीरो आर्ग्यूमेंट पास किया है, एंड वन इज टू डॉट फॉर्मेट फंक्शन का यूज करके, फॉर्मेट नम फर्स्ट नम, यहां पर लिखा मैंने फर्स्ट नम, तो ये जो फर्स्ट नम की वैल्यू कोमा सेकंड नम कोमा, फिर मैंने मल्टीप्लाई टू नंबर को कॉल किया, मल्टीप्लाई टू नंबर, और इस फंक्शन को कॉल किया, और पास क्या किया आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट नम, मैंने फर्स्ट नम ही डिफाइन कर रखा है, फर्स्ट नम कोमा सेकंड नम कोमा सेकंड नम। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं डियर स्टूडेंट, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अब आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब आप देखिए मैंने क्या करा है, मैंने सबसे पहले यूजर से इनपुट लिया है, फर्स्ट नम इज इक्वल टू एंड, अभी आप फंक्शन भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये मल्टीप्लाई टू नंबर वाला फंक्शन भूल जाइए। आपने लिखा फर्स्ट नम इज इक्वल टू एंड इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर। इनपुट फंक्शन कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए पाइथन में यूज होता है, इट इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन। इस फंक्शन के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा, ये फंक्शन जो भी वैल्यू कीबोर्ड से रीड करेगा उसे स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड करेगा। जैसे आपने कहा एंटर द फर्स्ट नंबर, तो ये इनपुट फंक्शन रिक्वेस्ट करेगा यूजर से कि उसे एक नंबर इनपुट करना है। तो यूजर ने इनपुट किया सपोज 4 5, दैट मींस 45, तो ये इनपुट फंक्शन उसे स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड करेगा, लेकिन आपको उसे एक्चुअल इंटीजर की फॉर्म में चाहिए, तो इंट का यूज करके आप उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट डाटा टाइप का यूज करके, क्योंकि
जब तक आपके पास वो वैल्यू एक्चुअल इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगी तब तक उसका प्रोडक्ट कैसे होगा? स्ट्रिंग का प्रोडक्ट होता ही नहीं है, स्ट्रिंग का थोड़ी आप प्रोडक्ट करोगे, स्ट्रिंग का तो कॉन्केटिनेशन होता है, कॉन्केट कर सकते हो आप दो स्ट्रिंग को, आप उनका प्रोडक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो आपने यहाँ पर इंट डाटा टाइप का यूज करके उसको एक्चुअल इंटीजर में कन्वर्ट करा और किसको असाइन कर दिया? फर्स्ट नम को। फर्स्ट नम इज ए वेरिएबल, आप इसकी जगह एफ लिख सकते हैं, आप इसकी जगह पूरा फर्स्ट नंबर लिख सकते हैं, ये यूजर डिफाइंड है, वेरिएबल और आइडेंटिफाइड यूजर डिफाइंड है, आप किस तरह से भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो जो भी कीबोर्ड से आपने वैल्यू एंटर करी वो किसको असाइन हुई? फर्स्ट नंबर। सिमिलरली आपको दो नंबर का प्रोडक्ट करना है तो आपको दूसरा नंबर भी चाहिए होगा। अब आपने दूसरा नंबर फिर यूजर से इनपुट लिया, वो उसकी वैल्यू किसको असाइन करी? सेकंड नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर आपने जीरो एंड वन इज टू, इस फॉर्मेट फंक्शन के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है और मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट फंक्शन को कॉल किया फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट क्या करेगा? जो भी इसके अंदर मैंने पहले पास किया है फर्स्ट नंबर, इसकी वैल्यू कहां पर असाइन होगी? पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो जीरो है वहां पर इसकी वैल्यू असाइन होगी। कहने का मतलब है ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो मैंने जीरो लिखा है ये इस फर्स्ट नम की वैल्यू से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। ये पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नम को, ये वन किसको पॉइंट कर रहा है? सेकंड नम को, और ये टू किसको पॉइंट कर रहा है? इस मल्टीप्लाई टू नंबर वाले को पॉइंट कर रहा है। तो होगा क्या, फॉर्मेट के अंदर जो ये फर्स्ट नम है इसकी वैल्यू रिप्लेस होगी कहां पर? पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस जीरो के स्थान पर। क्लियर हो गया? तो आएगा प्रोडक्ट ऑफ जो भी पहला नंबर आपने यूजर से एंटर कराया होगा, जैसे प्रोडक्ट ऑफ फोर, ओके, एंड जो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर वन है इसकी वैल्यू रेफर होगी किससे? सेकंड नम से। तो सेकंड नम की जो भी वैल्यू होगी वो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस वन के स्थान पर क्या हो जाएगी? प्लेस हो जाएगी। ओके, अब आपने क्या करा? कोमा, मल्टीप्लाई टू नंबर। अब ऑब्वियसली सी बात है मल्टीप्लाई टू नंबर ये क्या है? फंक्शन है। तो यहां से हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। दैट मींस जो मैंने प्रिंट के अंदर लिखा है मल्टीप्लाई टू नंबर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर फर्स्ट नम कोमा सेकंड नम, इसका मतलब है कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, कौन सा स्टेटमेंट आप देख लीजिए जहां पर मेरा कर्सर है, ये देखिए मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, ए जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है ये वाला, ये इसको हाईलाइट भी कर दिया मैंने, ये देखिए इस स्टेटमेंट को मैंने पूरा का पूरा हाईलाइट कर दिया है। ये स्टेटमेंट एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करने जा रहा है, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन ऑलरेडी आपने डिफाइन कर रखा है, राइट? दिस स्टेटमेंट इज जस्ट गोइंग टू कॉल ए यूजर डिफाइंड फंक्शन मल्टीप्लाई अंडर स्कोर टू नंबर विच टेक्स टू पैरामीटर, विच टेक्स टू पैरामीटर। तो होगा क्या डियर स्टूडेंट, जो भी फर्स्ट नम की वैल्यू होगी वो किसको असाइन होगी? ए को। सेकंड नम की वैल्यू किसको असाइन होगी? बी को। आप ध्यान रखिएगा यहां से हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। कौन से फंक्शन को? जो आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर किया है। तो ये जो ये वाला स्टेटमेंट है, जो मैंने ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हाईलाइट कर रखा है, दिस हाईलाइट फंक्शन कॉल ए यूजर डिफाइंड फंक्शन मल्टीप्लाई अंडर स्कोर टू नंबर, और इस फंक्शन में मैंने जब कॉल किया इस फंक्शन को तो मैंने यहां पर एज ए इसको आर्ग्यूमेंट क्या पास किया? फर्स्ट नम कोमा सेकेंड नम। तो ये फर्स्ट नम की वैल्यू किसको असाइन होगी? ए को। सेकेंड नम की वैल्यू किसको असाइन होगी? बी को। तो ये जो फर्स्ट नम और सेकेंड नम है इनको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल पैरामीटर। और इस ए और बी को क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल पैरामीटर। क्योंकि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तो आपकी यही है, जो ए और बी है वो तो क्या कर रहे हैं? एज ए फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, इनके साथ फॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो नंबर का प्रोडक्ट करा, क्लाइंट ने क्या करा? दो नंबर पास किए। जैसे मैं हूं क्लाइंट, मान लीजिए मैं क्लाइंट हूं, मैंने इस फंक्शन को कॉल करा मल्टीप्लाई टू नंबर, मैंने एक फंक्शन बना रखा है, सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई टू नंबर, मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को कहा आपको दो नंबर का प्रोडक्ट करना है, डियर माई फ्रेंड्स
just call my function multiply underscore 2 number. Just call my function multiply underscore 2 number. You pass your number to my function and my function automatically give you the product of 2 number. You don't have need to know what, how my function works. It give you the product of 2 number exactly when you will pass 2 number to my function multiply underscore 2 number. तो डियर स्टूडेंट, ये जो पूरा का पूरा कोड है मल्टीप्लाई अंडरस्कोर 2 नंबर, ये मैंने डिफाइन कर रखा है. आपको सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है. इस फंक्शन को कॉल करने के बाद इसको 2 नंबर पास करने हैं. 2 नंबर जब आप इसको पास करोगे तो ये ऑटोमेटिकली उन नंबर्स का प्रोडक्ट करके आपको देगा. राइट, आपको उस प्रोडक्ट को अपने डायरेक्ट प्रोग्राम में आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाएगा. यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से कर रहा है, बट जनरली बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो वहां पर सिर्फ फंक्शन को कॉल किया जाता है. क्लाइंट्स को ये पता नहीं चलता कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर टास्क मेरे पास आया है. क्लाइंट अपनी इनपुट रिक्वायरमेंट देता है और रिक्वायरमेंट देने के बाद फंक्शन इनपुट्स पैरामीटर्स के साथ काम करता है. पैरामीटर्स के साथ काम करने के बाद वो उनको रिटर्न में आउटपुट जनरेट करता है. जैसे कि आपकी जो डिशवॉशर मशीन है, डिशवॉशर मशीन में आपने इनपुट क्या दिया था, डर्टी डिशेस, एड डिटर्जेंट. उसने फंक्शनिंग की, क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी कि उस डिशवॉशर मशीन ने किस तरीके से फंक्शनिंग की? यू डोंट हैव नीड टू नो हाउ द डिशवॉशर मशीन वर्क्स. इट ऑटोमेटिकली वर्क्स. इट जस्ट टेक्स द इनपुट dirty dishes, operates or works with that particular input, and it just return the clean dishes. It also wash them. It just also returns the clean dishes. But आपने कभी जानने की कोशिश तो नहीं करी कि वो डिशवॉशर मशीन किस तरीके से फंक्शनिंग कर रही है. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी सेम यही रोल है. मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को यहाँ पर क्या करा, कॉल करा, मल्टीप्लाई अंडर स्कोर 2 नंबर मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है. मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन कॉल करते समय मुझे इसमें 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे. तो यहाँ पर मैं ये 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, फर्स्ट नम कोमा सेकेंड नम. तो फर्स्ट नम की वैल्यू कहां पर कॉपी हुई, इस पहले वाले पैरामीटर जो फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किया है, इनको हम पैरामीटर बोलते हैं, और जो हम कॉल करते समय पास करते हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. तो फर्स्ट नम और सेकेंड नम ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ए और बी आपके पैरामीटर्स हैं. फर्स्ट नम और सेकेंड नम आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ए और बी आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं. तो फर्स्ट नम की वैल्यू कॉपी हुई किसके अंदर, ए के अंदर. सेकंड नम की वैल्यू कॉपी हुई किसके अंदर, बी के अंदर. अब आपने इस फंक्शन को कॉल किया है, क्या किया है, कॉल किया है. तो ये जो आपने हाईलाइट कर रखा है इसे बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन. और जब ये वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट नम की वैल्यू पास हो रही है किसको, ए को, और सेकंड नम की वैल्यू पास हो रही है बी को, तो अब इसे हम बोलेंगे जो मैंने ये डेफ कीवर्ड में यूज कर रखा है, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड फंक्शन. दिस इज ए कॉल्ड फंक्शन एंड दिस इज ए कॉलिंग फंक्शन. दिस इज ए कॉलिंग फंक्शन. और ये जो आपने डेफ का यूज करके जो फंक्शन डिफाइन किया है ये है कॉल्ड फंक्शन. तो कॉलिंग, जब आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जैसे यहां पर मैं मल्टीप्लाई अंडरस्कोर 2 नंबर को कॉल कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट क्या पास किए, फर्स्ट नम कोमा सेकंड नम. फर्स्ट नम की वैल्यू कॉपी हुई ए को, सेकंड नम की वैल्यू कॉपी हुई बी को. अब फंक्शन का काम है, आपने आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, अब इंटरप्रेटर जस्ट मूव करेगा आपका कहां पर, फंक्शन पे. अब फंक्शन के पास जाएगा, फंक्शन के पास जाकर ए और बी की वैल्यू क्या करेगा, ए और बी की मल्टीप्लाई करेगा. ए और बी की मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, फर्स्ट नम और सेकंड नम की मल्टीप्लाई करना. तो ए और बी की मल्टीप्लाई करेगा और वैल्यू किसको असाइन करेगा, प्रोडक्ट को. और इसने क्या रिटर्न करा, प्रोडक्ट. क्या रिटर्न करा इसने, प्रोडक्ट. मतलब
ए और बी की मल्टीप्लाई, मैंने ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो एक वेरिएबल को असाइन कर दिया, उस वेरिएबल का नाम है प्रोडक्ट। इट्स ए यूजर डिफाइंड वेरिएबल। आप इसकी जगह पी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे चेंज करना चाहे आप चेंज कर लीजिए, आप पी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब आप रिटर्न पी करेंगे। अब बात यह है कि वैल्यू रिटर्न कहां पर होगी। डियर स्टूडेंट, वैल्यू वहां पर रिटर्न होगी जहां से आपने कॉल किया था। आपने इस मल्टीप्लाई टू नंबर, ये मैं कॉल्ड फंक्शन की बात कर रहा हूं, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस फंक्शन को आपने कहां से कॉल किया था। आपने इसे फंक्शन को कॉल किया था यहां से, देख सकते हैं आपने इसे यहां से कॉल किया था। तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो यहीं पर रिटर्न होगी। तो ये p की वैल्यू किसको रिटर्न होगी, इस मल्टीप्लाई टू नंबर जहां पर आपने कॉल किया था। ये देख सकते हैं दिस इज ए कॉलिंग फंक्शन, तो यहीं पर वैल्यू आपकी क्या होगी, p की वैल्यू रिटर्न होगी। यहां पर वैल्यू रिटर्न होने के बाद फिर ये p की वैल्यू किसको असाइन होगी, जो ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस 2 के अंदर मैंने डिफाइन कर रखा है आर्ग्यूमेंट, इसकी जगह पर वो p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट नम की जगह क्या आया, जो ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये जो जीरो है इसकी जगह ये पॉइंट कर रहा है किसको, फर्स्ट नम को। पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो वन है ये किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नम को। और पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो टू है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है जो इस फंक्शन को वैल्यू रिटर्न होगी, जो इस वाले फंक्शन को जो वैल्यू रिटर्न होगी, कहां से, कॉल्ड फंक्शन से। जो इस फंक्शन को वैल्यू रिटर्न होगी कॉल्ड फंक्शन से, उस रिटर्न वैल्यू को ये जो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर टू है उस वैल्यू को ये पॉइंट करेगा। दैट मींस वो वैल्यू असाइन हो जाएगी किसके, किसके स्थान पर, जो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस टू है उसके स्थान पर, उस पे वहां पर ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी दो नंबर का प्रोडक्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रिटर्न करके, सॉरी रन करके देखते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर 5, एंटर द सेकेंड नंबर 20, ओके। तो आप 20 और 5, तो एग्जैक्टली आप पहली बात तो ये समझ लीजिए आपका इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। आपका इंटरप्रेटर जस्ट सबसे पहले उसने क्या करा, उसने आपके प्रोग्राम को कहां से रन करना एग्जीक्यूट किया, यहां से रन करना एग्जीक्यूट किया, देख सकते हैं आप, ए यहां से रन करना उसने आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। अब मैं जहां हाईलाइट कर रहा हूं यहां से आपके पाइथन के इंटरप्रेटर ने आपके प्रोग्राम को रन करना एग्जीक्यूट किया है। तो सबसे पहले उसने फर्स्ट नम की वैल्यू ली, फिर उसने सेकंड नम की वैल्यू ली, अब उसके बाद ये जाएगा प्रिंट वाले स्टेटमेंट पे। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नम की वैल्यू आएगी एंड सेकंड नम की वैल्यू आएगी इज, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई टू नंबर वाले को कॉल करेगा, फर्स्ट नम की वैल्यू ए को असाइन होगी, सेकंड नम की वैल्यू बी को असाइन होगी, फाइनली ये कॉल्ड फंक्शन दो नंबर का प्रोडक्ट करेगा ए और बी का, वो वैल्यू असाइन होगी पी को, और फाइनली वो वैल्यू रिटर्न होगी कहां पर, जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था। कॉल कहां से हुआ था, मल्टीप्लाई टू नंबर से ये कॉल हुआ था, यहां पर ये वैल्यू रिटर्न होगी और फाइनली वो रिटर्न वैल्यू पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस 2 के स्थान पर क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो व्हेन आई प्रेस एंटर The product of 5 and 20 is 100. तो pair of curly braces 0 के स्थान पर क्या आया, first num, pair of curly braces 1 के स्थान पर second num, फिर उसके बाद multiply 2 number वाला function call हुआ, first num की value A को assign हुई, second num की value B को assign हुई, that means first num क्या है, first num और second num क्या है, actual argument, A और B क्या है, formal argument, फर्स्ट नम और सेकंड नम को आप एक्चुअल पैरामीटर भी बोल सकते हो, ए और बी को आप फॉर्मल पैरामीटर भी बोल सकते हो। एक्चुअल आर्गुमेंट फर्स्ट नम और सेकंड नम, एक्चुअल आर्गुमेंट और एक्चुअल पैरामीटर, ए और बी फॉर्मल आर्गुमेंट और फॉर्मल पैरामीटर। जो फंक्शन आप डिफाइन करेंगे डेफ कीवर्ड का यूज करके, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड फंक्शन, और जब ये कॉल्ड फंक्शन जहां से इस कॉल करेंगे इसको, दैट इज कॉल्ड कॉलिंग फंक्शन और इनवोक फंक्शन। तो यहां पर मैंने ये लिखा, जो ये मल्टीप्लाई टू नंबर है दैट इज कॉल्ड कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन का मतलब है कि मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, उस फंक्शन का नाम है मल्टीप्लाई अंडरस्कोर टू नंबर। मैंने उस फंक्शन को जब कॉल किया तो मैंने उसको दो आर्ग्यूमेंट पास किए, पहला फर्स्ट नम, दूसरा सेकंड नम। दीज आर्ग्यूमेंट आर नोन एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल पैरामीटर।
the value of these arguments are copied to the user defined function multiply to number. फर्स्ट नम की वैल्यू कॉपी होगी ए में, सेकंड नम की वैल्यू कॉपी होगी बी में, फाइनली ए और बी का प्रोडक्ट असाइन होगा पी को, वैल्यू रिटर्न होगी पी की, कहां पर, जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था. ओके, फाइनली वो पी की वैल्यू पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस 2 के स्थान पर रिप्लेस हो जाएगी. तो इसीलिए आपका आउटपुट आया प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 20 इज 100. आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो. आप देख रहे ना आप मैं कितना डेप्थ में जाकर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सारी चीजें, राइट. आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरा मकसद आपको सिखाना है, आपको पढ़ाना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. और इसी तरीके से मैं हर चीज आपके साथ ऐसे ही डिस्कस करूंगा, इतनी डेप्थ में जाकर डिस्कस करूंगा कि आपको अच्छा लगने लगेगा, फील होने लगेगा. लेकिन मैंने एक प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम का यूज करके आप अपने भी तो प्रोग्राम बना सकते हैं. जैसे मैं आपको टास्क दूं कि आपको स्क्वायर का एरिया ऑफ पैरामीटर निकालना है, आपको रेक्टेंगल का एरिया ऑफ पैरामीटर निकालना है, आपको क्यूब का जो है वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, मैं ही आपके साथ ये चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है. आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, समझ में आ गया होगा, राइट. किस तरीके से फंक्शन को, जो मैंने आपके पार्ट 4 में फंक्शन डिस्कस करा था, यूजर डिफाइंड फंक्शन डिस्कस किया था, आज मैंने इस फंक्शन के पार्ट 5 में उसको प्रैक्टिकली डिस्कस किया, राइट. डियर स्टूडेंट, अच्छे तरीके से पढ़िएगा, आगे फिर मिलेंगे कुछ नए लॉजिक के साथ, कुछ नए प्रोग्राम के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर.